Hello guys, I am Manso Saraswat from IIIT Sri City. I am pursuing BTech from IIIT Sri City with CSE branch. Okay, in the previous lecture he was explaining MedTech, so we will continue it. तो पहले हमने 3.1 इसको कंप्लीट कर लिया था, और 3.1 के बाद इसके कुछ एग्जांपल्स भी कर लिए थे. शायद हम 8th एग्जांपल पे थे, तो अभी हम 9th एग्जाम्पल करने वाले हैं और उसके ऑनवर्ड हम बढ़ते चले जाएंगे. ओके, तो 9th एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं अभी. तो फाइंड एक्स एंड वाई. तो एक्स और वाई निकालना है. अगर एक्स प्लस वाई का वैल्यू भी दे रखा है और एक्स माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा कि एक्स और वाई दोनों इंडिविजुअल निकालने पड़ेंगे. यानी कि हमारे पास क्या है, एक्स 11 प्लस वाई 11 इक्वल टू दे रखा है 5, एक्स 11 माइनस वाई 11 इक्वल टू दे रखा है 6. तो इससे हम निकालें या हटा दें तो 2 ऑफ एक्स 11 इक्वल टू 11, एक्स 11 इक्वल टू 11 बाई 2. तो हमें निकालना क्या है, एक्स एंड वाई इंडिविजुअल निकालना ना. ओके, तो ये चीजें हैं. और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों को जोड़ दें, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास 2x का वैल्यू आ जाएगा. ओके, तो 2x का वैल्यू आ जाएगा. तो जैसे कि इसमें जोड़ा है तो 2x का वैल्यू निकालेंगे. तो जोड़ देते हैं 8 प्लस 3, अच्छा कि 6 नहीं करते, ठीक है 8 प्लस 8 हो गया, 8 बाई 2 4 हो गया. तो हमारे पास क्या है, 2x का वैल्यू कितना दे रखा है, 1 मतलब 1 8 0 8. तो ये है हमारे पास. तो 2x एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स है 8 8 0 8. तो इसमें डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हो जाएगा 4 4 0. तो ये हो जाएगी हमारे पास x. अभी क्या करें, अभी क्या करें, अभी हम ऐसा करते हैं, इसमें x का वैल्यू रख सकते हैं या फिर y का वैल्यू रखेंगे. तो y का वैल्यू रख सकते हैं, यानी कि x माइनस जो दे रखा है ना फर्स्ट वाली इक्वेशन, सेकंड वाली इक्वेशन का यूज करें, x माइनस 3 6 0 -1 इसका यूज करेंगे. तो ये हमारे पास y आ जाएगा. ओके, तो x हमने निकाल लिया था, x क्या था 4 4 0 माइनस ऑफ, या फिर प्लस कर देते हैं, नेगेशन ले लेते हैं, -3 6 0 1 हो जाएगा हमारे पास वाई. वाई कितना आया, वाई आया 1, ये कितना आएगा -2, ये 0, ये कितना आएगा 5. ये हो गया वाई. ओके, तो वाई है, एक्स हो गया, एक्स और वाई की वैल्यू निकलेगी. तो अगले क्वेश्चन में है, फाइंड द वैल्यू वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है ये इक्वेशन को यूज करते हुए. इसको यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, दैट इज एक्स इक्वल टू 2. 3 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा बाई 2 2. अभी 2y माइनस 6 प्लस 2 इक्वल टू 14. ओके, तो इसमें से 2 जाएगा तो कितना हुआ 4, 2y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू 9. तो x और y की वैल्यू ऐसे हम 9 लेके आ रहे हैं, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 9. ये थोड़ा सा लार्ज मेथड था लेकिन इसने सिंपल कर दिया. ओके, तो एग्जांपल 11 करेंगे अभी. तो एग्जांपल 11 में क्या है, तो टू फार्मर्स राम किशन एंड क्या है गुरचरण सिंह, गुरचरण सिंह कल्टीवेट ओनली 3 वेराइटीज ऑफ राइस, नेमली बासमती, परमल एंड नौरा. नौरा नौरा फतेह. ओके, तो द सेल इन रुपीज ऑफ दीज वेराइटीज ऑफ राइस बाई द बोथ फार्मर इन मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर आर गिवन बाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस. तो यहाँ पर इन सभी मतलब ए एंड बी जो भी है ना,
ए मैट्रिक्स दी और बी मैट्रिक्स दी है, तो दोनों में सितंबर के महीने में जो बासमती परमल और नौरा तीनों फसल है ना, तीनों वेराइटीज हैं चावल की, उनकी प्राइस दिए गए हैं रामकृष्ण और गुरचरण के द्वारा। ओके, इन दोनों ने कितनी कमाई की है। ओके, तो सबसे पहले रामकृष्ण ने बासमती चावल से कमाए 10,000 रुपए, परमल से कमाए 20,000 रुपए, और नौरा चावल से कमाए यानी नौरा फतेही चावल से कमाए 30,000 रुपए। ओके, और गुरुचरण सिंह की बात करते हैं, गुरुचरण सिंह ने बासमती चावल से बनाए 50,000, परमल से 30,000 और नौरा से 10,000। तो गुरुचरण ने बहुत कम कमाया यार, और ऐसे यूज नहीं कर पाया, कोई नहीं। तो रामकिशन वापस से आया अक्टूबर के महीने में, बासमती 5,000, परमल 10,000, नौरा 6,000। बहुत कम कमाई हुई यार इसकी इस बार। तो अभी आते हैं गुरुचरण पे, गुरुचरण ने बासमती से 20,000, परमल से 10,000, नौरा से 10,000। गुरुचरण सिंह बहुत कमा रहा है। तो फाइंड द कंबाइंड सेल इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर बोथ फार्मर एंड ईच वैरायटी। तो इसमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है, एंड ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो ये हो जाएगा, मैं के में लिख रहा हूँ 15K और 30K, 36K, 70K, 40K, 20K। ओके, तो ये दोनों की कंबाइंड सेल। फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, डिक्रीज कितनी है, या तो ए माइनस बी कर देंगे, ए माइनस बी हो जाएगा। ओके, अगला क्या निकालना है, इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल, कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन द अगस्त। तो जो फाइनल आया ना ए प्लस बी या फिर बी, ओके, तो अक्टूबर महीने में निकालना है। हाँ, तो अक्टूबर के महीने में जितनी भी कमाई हुई है उनका उस सबका 2% निकाल के अलग अलग रख देंगे। तो 5,000 का 2% 100, 10,000 का 2% 200, 6,000 का 120, 20,000 का 4, 10,000 का 200, 10,000 का 2। ओके, इस प्रकार ये 2% मार्जिन के साथ ही प्रॉफिट है। तो अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। तो मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं दो डिफरेंट मैट्रिक्सेस को, इसके ये रूल है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का सिर्फ एक मतलब कुछ रूल है, जैसे कि एक रूल तो ये है कि हम रो टू कॉलम वाइज ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और रो टू कॉलम मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम, उन दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि जो एग्जांपल ले लेते हैं, इस एग्जांपल के अनुसार ये है 2, 5, 8 एंड 10, इसको मल्टीप्लाई करना है 5 एंड 50 से। तो मल्टीप्लाई करना है इस दोनों मैट्रिसेस को, कैसे करेंगे, तो इनको करने का तरीका आसान तरीका है कि सबसे पहले देखेंगे रो को पकड़ेंगे और कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो के पहले एलिमेंट को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 इंटू 15 प्लस 2 इंटू 50, ये हुआ पहला एलिमेंट। और हाँ, अब एक चीज में है कि जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसका ऑर्डर डिफाइन करने के लिए सबसे पहले इसको ऑर्डर कोई ऑर्डर की बात कर लेते हैं। जैसे कि इसका 2 बाई 2 है, इसका है 2 बाई 1, तो हमको क्या है ना ऐसे देखना पड़ता है, जैसे कि ये m बाई n है ना, तो इन दोनों को हटा दीजिए। और मल्टीप्लीकेशन के भी रूल है, सबसे पहले इसके रूल देख लेते हैं। चलो, एक पहला रूल क्या है, रो टू कॉलम। दूसरा रूल क्या है कि अगर पहली वाली का ऑर्डर m m1 इंटू n1 है और दूसरी वाली का है m2 इंटू n2, तो n1 होगा इक्वल m2 के ही, तभी ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो n1 और m2 ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इन दोनों इक्वली होंगे, तभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं।
तो ये कंप्लीट हुआ मल्टीप्लिकेशन। तो अभी मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में करके देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 15 प्लस 5 × 15, ओके 8 × 15 प्लस 7 × 15 30 प्लस 2 × 15 प्लस 5 8 × 5 है, सॉरी 15 कहाँ से ले लिया भाई, 8 × 5 दैट इज 40, ये कितना हो गया 260 एंड 540। ओके तो इस प्रकार से हमें मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है रो टू कॉलम वाइज। ओके ये दो रूल्स का ध्यान रखना है। कि नया एक पैसा ये आया, देखो अभी इसका यूज करें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये चीज तो सेम है शायद, दोनों तो सेम है, बस प्राइस चेंज हुआ है। तो प्राइस देखो मल्टीप्लीकेशन करना है ना, तो 2 × 4 करेंगे, 5 × 14 मतलब इससे इसका इससे इसका, ओके अब इससे इसका इससे इसका ऐसे ही इसमें। अब इसमें क्या है ना, ऐसे करना पड़ेगा 2 × 5, 5 × 50, 2 × 4, 5 × 40, ओके जैसे इसके लिए ये बना, 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 इसके लिए, ठीक है 2 × 2 की मैट्रिक्स हो गई। चलो इसको मैं, चलो ये तो दिया गया है, तो ये थोड़ा सा रूल दिए गए हैं अगर आपको समझ नहीं आया ना शायद। वैसे तो ये कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल चीज है। जैसे देखो पहले इसको और इसको पकड़ा, तो 1 − 1 2 था, 2 − 1 5 हुआ, तो इन दोनों सबको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 1 × 2 − 1 − 2 − 1 2 × 2 = 5, ओके उसके बाद इसी का सेकंड वाली रो से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया अब इसी का ना, इसके बाद रो चेंज की, रो का फर्स्ट कॉलम से फिर सेकंड कॉलम से दोनों को मल्टीप्लाई करके फाइनल ये जो वैल्यू आई है वो। और ऑर्डर कैसे डिफाइन हुआ, पहले का ऑर्डर था 2 by 3, दूसरे का था 3 by 2, 3 by 3 ये सेम है, इनको हटा के ऑर्डर हुआ 2 by 2। तब बाहर वालों को ले लेते हैं, इसमें एक रूल ऑर्डर बिठा लीजिए, अगर ऑर्डर डिफाइन करना है तो बाहर वालों को ले लेते हैं दोनों को। तो फाइंड ए बी, अब ए बी निकालना है, a × b, अब ए बी निकाले। चलो उस निकालने से पहले इन दोनों का ऑर्डर डिफाइन कर लेते हैं, ऑर्डर कितना होगा, और चेक भी कर लेते हैं अगर मतलब ऐसा हो जाए कि हो ही ना। तो पहले का है 2 by 2, सेकेंड का है 2 by 3, तो ये हो गया 2 by 2 मैच क्रॉस 2 by 3, इसका ऑर्डर होगा अपनी जो मैट्रिक्स बनने वाली है। तो मैट्रिक्स बनाते हैं, चलो 6 × 2 प्लस 9 × 7 प्लस 6 × 6 प्लस 9 प्लस 6 × 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 9 × 2, ओके इसी प्रकार नीचे वाली 2 × 2 प्लस 2 × 7 प्लस, सॉरी प्लस नहीं, अगला एलिमेंट है ये 2 × 6 प्लस 2 × 9, 2 × 0 और 3 × 8। तो ये सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल में आ जाएगा अपने पास 75 117 72 25 39। ये हमारे पास अपनी नई मैट्रिक्स आ गई, दैट इज a और b। ओके तो ये सारी चीजें हमने निकाली ना एक, ओके तो कुछ कुछ चीजें इसमें हाईलाइटेड हैं, जैसे कि नाउ नॉन कम्यूटेटिवली कम्यूटेटिवली ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कम्यूटेटिव जो लॉ होता है ना वो बाय मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में डिफाइन नहीं होता। जैसे कि a × b कर रहा है ना, तो हो सकता है b × a कुछ और हो, इसका ऑर्डर अलग अलग हो सकता है, तो दोनों सेम नहीं है। एग्जाम्पल 13, तो a दे रखा है b दे रखा है, इसका ऑर्डर निकाल लेते हैं सबसे पहले। ऑर्डर क्या है,
इंटू थ्री, थ्री इंटू टू, थ्री थ्री सेम, 2/2 का ऑर्डर। ओके तो इसमें दो काम करने हैं। सबसे पहले हमें ए बी और बी ए निकालने हैं, और उसके बाद चेक करना है कि बी और ए बी एम बी ए सेम है या नहीं। वैसे तो सेम नहीं होते। ओके देखो, अभी ए बी किया तो ये आया, अब बी ए करेंगे तो क्या आएगा ऑर्डर। बी ए में 3 इंटू 2 और 2 इंटू 3, 2 2 सेम हुआ, 3 इंटू 3, दोनों ऑर्डर अलग अलग आ रहे हैं। एक का आया 2/2, एक का आया 3/3, यानी कि यहाँ से देखने पे ही लग रहा है कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स हैं वो अलग अलग है, और निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, इट्स नो प्रॉब्लम। अब आते हैं 14th क्वेश्चन पे। इट इज ए इक्वल टू 100-1, बी इक्वल टू 0110, एंड ए बी है 0-1-1 एंड 0। ओके दस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर जो हम बता रहे थे कि कम्यूटेटिव मल्टीप्लीकेशन के लिए डिफाइन नहीं होता, वो हमने प्रूव कर दिया। ओके तो अब 14th क्वेश्चन सेम है 13th वाले के। एक नोट आया, नोट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। नोट है कि दिस डज नॉट मीन दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए फॉर एवरी पेयर ऑफ मैट्रिसेस ए एंड बी फॉर विच ए एंड बी आर ए एंड बी सॉरी ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड फॉर इंस्टेंस। मतलब कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कभी कभी कि हर, मतलब ऐसी बात नहीं है कि हर बार ए एंड बी सॉरी ए बी और बी ए सेम ना हो, कभी कभी ये सेम हो सकते हैं, किसी किसी पॉइंट्स पे ये सेम हो सकते हैं। इसलिए ये कोई कंसेप्शन ना बनाए कि दोनों हर बार अलग अलग ही होंगे, तो ये मिसकंसेप्शन है एक आपका। तो जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो एक मतलब एक पॉइंट्स आता है कभी कभी कि जब जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स जीरो हो जाए दो मैट्रिक्स का, जैसे कि जो एग्जांपल 15 दे रखा है, फाइंड ए बी, इफ ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, ए है 0-1 0 2, बी है 3 5 0 0। ओके तो ए बी निकालेंगे, तो ए बी निकाला है इन्होंने, तो ये फाइनल में क्या आया 0 0 0 0, तो ये 0 0 0 आया। ओके दस इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज अ जीरो मैट्रिक्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन ऑफ द मैट्रिक्स इज जीरो है। तो एक इसमें रूल ये है कि अगर ए इंटू बी ये जीरो मैट्रिक्स है, तो ये जरूरी नहीं कि इन दोनों में से कोई कोई एक या फिर कोई दोनों जीरो हो। ऐसा भी हो सकता है दोनों नॉन जीरो हो तब भी जीरो हो जाए। ओके प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो इसकी प्रॉपर्टीज है एसोसिएटिव लॉ। सबसे पहले एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये भी फॉलो करता है, एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लीकेशन करने पर कोई फर्क पड़ता बल लेकिन हम इसे दर्शा सकते हैं कि एक नॉर्मल मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स से बनकर बनी है, यानी कि हम आई ए इक्वल टू ए लिख सकते। तो यही सी 17th वाला क्वेश्चन दर्शा रहा है। 18th वाला भी एक इक्वेशन बताने को कह रहा है, सबसे पहले ए क्यूब निकालो। अब क्या है ना, एक तो ये इतनी बड़ी बड़ी मैट्रिसेस हैं एक तो, और इनको निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, एक टाइम टेकिंग चीज है, लेकिन है सिंपल बट टाइम टेकिंग है। इनको अच्छे से मतलब ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है इनको, मतलब एक दो बार में अच्छे से आ जाएगा, बट इनको एक्यूरेटली करना पड़ता है एक्यूरेसी के साथ, तभी ये तुम्हारे लिए फायदेजनक है, वरना ये नुकसान करा के जाएंगे, क्योंकि है सिंपल, हर लोग हर कोई कर देगा जेई में मैथ्स के क्वेश्चन, लेकिन अगर तुमसे गलत हुआ तो गलत हो जाएगा ना, सबके सही हो गए आपके गलत हुए, तो ये तो सही नहीं। 19th क्वेश्चन है, 19th भी शायद इन एंड लेजिस्लेटिव, ओके लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर पब्लिक रिलेशन फॉर्म
फर्म टू प्रमोट इट कैंडिडेट इन थ्री वेज टेलीफोन हाउस कॉल एंड लेटर द कॉस्ट पर कॉन्टेक्ट इज गिवन इन मैट्रिक्स। तो क्या हुआ कहीं लेजिस्लेटिव इलेक्शन हो रहे हैं तो वहां पर प्रचार करने के लिए टेलीफोन हाउस कॉल और लेटर के माध्यम से वोट के लिए मतलब वोट मांगते हैं तो टेलीफोन करा रहे हैं किसी कंपनी के द्वारा तो 40 रुपये पर पर्सन कॉस्ट आएगा, हाउस कॉल करा रहे हैं तो 100 रुपये कॉस्ट आएगा, लेटर भेज रहे हैं तो 50 रुपये कॉल आएगा। ओके तो इसी के हिसाब से ये कॉस्ट दिए गए हैं। तो व्हाट वी फाइंड नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन टू सिटीज एक्स एंड वाई, तो ये दोनों एक्स और वाई सिटीज हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाई द ग्रुप इन टू एक्स सिटीज एक्स एंड वाई। ओके तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी इंटू ए निकालना पड़ेगा, बी है ताकि हम अमाउंट स्पेंड बाई ग्रुप इन टू सिटीज एक्स एंड वाई निकाल सकते। ओके देखो ये है 3 × 1 की ए और ये है 2 × 3 की, तो ये अगर हम ए बी निकालेंगे तो ये डिफाइन ही नहीं होगा इसलिए हमें बी ए निकालना पड़ेगा। बी ए से 3 और 3 सेम हो जाएगा, 1 2 ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो दैट इज ये दोनों। चलो अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज दैट इज 3.2 पर। तो इन द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव ए बी एंड सी, तो हमें ये सारी चीजें निकालनी है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a - c, इसको हम सारी चीजों को निकालेंगे। नाउ ए प्लस बी तो हम सीधा निकाल लेंगे डायरेक्ट, जैसे 3 7 1 7, जैसे 2 + 1 4 + 3, 3 + -2 2 + 5। ओके ए माइनस बी निकालें, ए माइनस बी निकालेंगे तो 1 ये 1 ये 5 ये, अब 3 - c निकालेंगे तो 3 - 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 3, सबसे पहले हम निकालते हैं 3a, 3a क्या है, 3a होगा 6 12 9 और 6 - c मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी c से माइनस कर देते हैं, ये निकालते हैं ये निकालते हैं तो आएगा कितना, 8 12 - 5 दैट इज 7, 9 - 3 दैट इज 6, 6 - 4 दैट इज 2, ये हो गया 3a - c। इसी तरह हम ए एंड बी निकाल लेंगे, सॉरी ए बी बी ए निकाल लेंगे, तो ये दोनों 2 by 2 की हैं तो इसमें ऑर्डर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 by 2 ही इसकी मैट्रिक्स का साइज होगा। ओके 2 4 3 2 सेकंड है 1 3 - 2 5। ओके तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे रो टू कॉलम, तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 1 + 4 2 9, सेकंड कॉलम 2 2 3 4 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 × 2 + 2 × -2 3 × 3 + 2 × 5, तो ये हुआ हमारी मैट्रिक्स, इनको मल्टीप्लाई या फिर जोड़ दो तो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 × 4 × 2 करेंगे -2 करेंगे तो -8, -8 + 2 करेंगे तो -6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 5 = 20, 3 × 6 26, ये हो जाएगा -4, 3 × 6 6 - 4 = 2 और 3 × 9 = 10 19, तो ये हो गई हमारी मैट्रिक्स ए बी। तो इसी प्रकार हम उल्टा करके इसको बी ए भी निकाल लेंगे, तो कंप्यूट द फॉलोइंग, इस सारी चीजों को कंप्यूट करना पड़ेगा। ओके कंप्यूट कर लेते हैं, बिल्कुल पहले मैं कंप्यूट करने के लिए क्या है, ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, b - 1 0, ए प्लस ए मतलब फाइनल इसका आंसर आएगा 2a 2b 0 2a, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × a
B0A। अब यह है इसी को, इसको भी सेम इसी तरह लिख देंगे, इसको भी ऐड करना है। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे, फोर्थ वाले क्वेश्चन। तो कैस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन। तो ये है वन, चारों के चारों वन। अब ये मल्टीप्लीकेशन है सारे के सारे, तो मल्टीप्लीकेशन देखो ये 2 बाई 2 है तो 2 बाई 2 बनेगा। ये है 3 बाई 1 और 1 बाई 3, 3 बाई 1 1 बाई 3, यानी कि हमारे पास आएगा 3 बाई 3 की मैट्रिक्स इससे। ओके तो अभी करते हैं ये वाला, तो ये 2 बाई क्या 2 बाई 2 और 2 बाई 3 है ना, तो 2 बाई 3 का बन जाएगा 3 बाई 3। अब 3 बाई 3 भी का बन जाएगा, यह है 3 बाई 2, 2 बाई 3, 3 बाई 2 और 2 बाई 3, तो 3 बाई 3 का बनेगा। और 2 बाई 3 और 3 बाई 2 है तो 2 2 का बनेगा। ओके तो अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ए बी सी की वैल्यू रखी है, तो ए प्लस बी एंड बी माइनस सी निकालना है और इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है कि ये कंप्यूट कर रही है कि नहीं। ओके तो इसको वेरीफाई करने के लिए बस ए प्लस बी निकाल लो, बी माइनस सी निकाल लो, तो काम हो जाएगा। तो ए प्लस बी हम यहाँ यूज कर लेंगे, बी प्लस बी माइनस सी हम यहाँ यूज कर लेंगे, या फिर कम्यूटेटिव लॉ को खोल सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी। तो बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम, सो इट्स अ ट्रू, और वी कैन जस्ट ऐड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच अदर, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, ए एंड बी दे रखा है एंड देन कंप्यूट 3a-5b। तो 3a-5b हमको निकालना पड़ेगा। ओके तो 3 थोड़ा रैशनल टाइप का है, तो इसको बस कैलकुलेशन बेस्ड है। तो इफ यू हैव अ कैलकुलेशन मतलब जो अच्छी कैलकुलेशन है आपके पास, तो इसको आप जरूर से जरूर कीजिए। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ बिकॉज दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन एंड इट विल टेक टाइम, इट विल टेक प्रीवियस मतलब मोस्ट रिसर्च टाइम फॉर आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स। तो वी आर नॉट मतलब गधा मजदूर, तो वी विल डू जस्ट कैलकुलेशन एंड कैलकुलेशन। वी आर जस्ट नो वी आर हियर टू लर्न समथिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। ओके तो ये चीज, हाँ ये आया कुछ दमदार चीज। तो सबसे पहले कॉस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो कॉस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डायरेक्ट अंदर ही। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा, ये माइनस ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा कॉस साइन, ये हो जाएगा वापस से कॉस स्क्वायर। नेक्स्ट है प्लस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन कॉस प्लस साइन कॉस और साइन स्क्वायर थीटा। ओके 1 0 0 1। ओके तो बस आपको बस थोड़ा सा लिखते जाना, क्योंकि इसमें अगर लिखोगे नहीं तो थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। नाउ कम टू द सेवंथ क्वेश्चन, फाइंड एक्स एंड वाई। तो जो जो क्वेश्चन है ना फर्स्ट एक्स एंड वाई, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम दोनों को ऐड करते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो हम उससे 2x का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे x प्लस वाई दे रखा है, प्लस कर दें इसमें x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 2x। तो 2x का वैल्यू हम निकाल लेंगे, जैसे x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये y का वैल्यू आ जाएगा, इसमें रख सकते हैं तो भी y आ जाएगा। ठीक है तो इस तरह से 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ हमारा। अभी फाइंड एक्स इफ वाई इक्वल टू इतना है। ओके तो वी नीड टू फाइंड एक्स, तो 2x इक्वल टू 2x प्लस वाई इक्वल टू समथिंग समथिंग कॉल्ड पी कर दे। तो 2x हमें निकालना है प्लस वाई दिया गया है, तो वाई को यहाँ से सेपरेट कर देते हैं, पी माइनस वाई कर देते हैं, बाई टू कर देते हैं डायरेक्ट यहीं से, हो जाएगा एक्स तो 0
-3 2, इसमें से माइनस करेंगे अपन 3 2 1 2, ये सारी चीजें हम माइनस करें तो इससे हम इसकी 2x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2x कितना आएगा, 1 -3 -2, 0 -3 -2, 1 -3, 0 -2 -2, -3 -1, तो -4, 2 -4 -2। तो ये हो गया एक्स, 2x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -1 -2 -1। ओके, तो इसी तरह ये 9th क्वेश्चन भी है। 9th क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही सिंपल है। 9th क्वेश्चन में हुआ एक्स प्लस 2 इक्वल टू 8, दैट इज x इक्वल टू 6, एंड y प्लस 1 इक्वल टू 5, y इक्वल टू 4। ओके, तो अब 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में है, इफ एक्स ये दे रखा है तो एड एक्स इंटू कुछ सम मैट्रिक्स 2y1 की प्लस y इंटू कुछ मैट्रिक्स इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये एक्स एंड वाई आर स्केलर्स, तो 2x - y इक्वल टू 10 दे रखा है, वी हैव गिवन इट, एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये सारी चीजें दी गई हैं, प्लस कर देते हैं, 5x इक्वल टू 15 हो जाएगा, x इक्वल टू 5 3 आ जाएगा, तो x इक्वल टू 3 आया, तो x इक्वल टू 3 यहाँ पुट करेंगे, 3 दोनी 6, 6 - y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना आएगा, -4, तो 3, -4, तो ये है हमारे पास वैल्यूज। अभी 12th क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी, वी आर स्किपिंग इट। तो 13th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 13th क्वेश्चन में क्या है ना, एक फंक्शन दे रखा है हमारे पास, फंक्शन फंक्शन है कि एक्स मतलब मैट्रिक्स का फंक्शन है, f(x) = कुछ एक मैट्रिक्स दे रखा है साइन कॉस में। तो हमें शो करना है कि अगर हम एक्स की जगह मतलब f(x) * f(y) करें तो वो f(x+y) के इक्वल होगा कि नहीं, तो इसको हमें प्रूव करना है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है एंड वेरी सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, f(x) का एक इक्वेशन बनाना है 3/3 का, उसके बाद x(y) का वैल्यू बनाना है, जहाँ पर x की जगह जस्ट y रख देना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास जो भी चीज आए उसको एक मैट्रिक्स में स्टोर करके f(x+y), मतलब सबसे पहले x(y) करेंगे, मतलब cos(x+y) कर देंगे यहाँ पे, ये सारी की जगह जो x है ना, तो x+y रखेंगे उधर, उसके बाद सारी चीजें करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है ना, जो x+y का फॉर्मूला लगा के ये जो खोलेंगे ना सारी चीजें, तो वो एकदम कॉमन चीजें आएंगी दोनों में। ओके, तो समझ गए। तो इस तरह ही ये 13th वाले क्वेश्चन को कराए। तो 14th क्वेश्चन आया, तो 14th में ये प्रूफ करना है बस। ठीक है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ है ना, इसी को, सॉरी कहा, कम्यूटेटिव लॉ को गलत साबित करना है इसमें, और कुछ नहीं है, ये हमें कर चुके हैं, इसमें भी सेम है। ये फाइंड, ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले स्क्वायर निकालना, स्क्वायर निकाल लेते हैं, सही जाएगा बस। तो स्क्वायर निकालते हैं, इसका स्क्वायर निकालेंगे अभी, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, 2 0 1 2 1 2 1 -1 0। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉलम एंड रो, 1 × 2 + 0 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, 1 × 1 ये होगा फर्स्ट कॉलम, सॉरी 1 1 अब फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो, तो 2 0 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो फिर से कुछ भी नहीं, अगेन 0 2 0 मल्टीप्लाई है, फिर से कुछ नहीं, 1 × 2 - 1, तो 1 × 2 - 1 यानी कि -1 रहेगा। अब आएगा 2 2 × 1 यानी कि 2 0 से मल्टीप्लाई करें 0, यहाँ से 0 से फिर से 0, यानी ये हो गया 2। ठीक है, अभी ये इस सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 2 × 2 यानी कि 4,
प्लस इंटू वन टू प्लस थ्री जो हो गया जीरो, सब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो वन माइनस थ्री एंड थ्री इंटू माइनस वन माइनस थ्री होता है। फर्स्ट को सेकंड कॉलम तो फर्स्ट सॉरी सेकंड रो थर्ड कॉलम तो टू प्लस थ्री अगेन जीरो। इसी प्रकार नेक्स्ट वाला भी टू माइनस टू और जीरो ओके, तो ये भी जीरो, ये हो जाएगा माइनस वन, ये फिर से जीरो, ये हो जाएगा वन माइनस थ्री एंड जीरो ओके। इस सब चीज कंप्यूट कर लेंगे, टू प्लस वन थ्री सॉरी फोर फाइव जाएगा माइनस वन, हो जाएगा टू, चार और तीन सात और दो नौ माइनस टू फाइव जीरो माइनस वन माइनस, तो ये है हमारे पास मतलब ये है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर करेंगे माइनस फाइव ए में, फाइव का मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर देंगे, सिक्स इंटू आई। आई क्या होता है, आई देखो ये सारी मैट्रिसेस 3 बाई 3 की हैं, तो आई का भी हम 3 बाई 3 वाला वर्जन यूज करेंगे, वन 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 जीरो 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 जीरो, इस आई का यूज करेंगे आप ओके। तो इससे हम अपनी इक्वेशन निकाल सकते हैं सारी चीजें, मतलब इसका वैल्यू निकाल सकते हैं हम। अभी आता है 16th, सेम चीज ए क्यूब निकालना है, बस ए क्यूब एंड ए स्क्वायर दोनों निकालने हैं ओके। वी आर नॉट डूइंग हियर द गधा मजदूरी, वी विल स्किप इट एंड आई वॉन्ट टू टेक अ प्रॉमिस टू यू ऑल स्टूडेंट्स दैट यू विल डू दीज एग्जाम्पल्स एंड दीज क्वेश्चंस विच आई एम स्किपिंग इट ओके। 16 15 16 हो गया 17, 17 में क्या है ओके सेम चीज, तो इसमें के का वैल्यू निकालना है इस बार, तो ए स्क्वायर किसके बराबर कर दिया, ए स्क्वायर से निकाल सकते हैं। तो थ्री टू का मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो थ्री इंटू थ्री नाइन प्लस सॉरी माइनस माइनस टू इंटू फोर लेकिन एट ओके, तो थ्री इंटू माइनस टू यानी तो माइनस सिक्स, और माइनस टू इंटू माइनस टू करेंगे तो प्लस टू, फोर इंटू माइनस टू करेंगे थ्री ट्वेल्व माइनस एट हो गया वन माइनस टू जाएगा फोर, ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, स्क्वायर निकाल लिया के इंटू ए बचा है माइनस टू आई, प्लस टू आई कर देते हैं यहीं पे, प्लस टू करना है दोनों का, तो गया थ्री माइनस टू फोर माइनस टू जाएगा आई मतलब इक्वल टू के इंटू थ्री माइनस टू माइनस टू फोर, तो इससे हमें पता लग रहा है कि इक्वल टू वन था ओके, कंपेयर करने पे ओके। तो एक क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू जो है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ टू एडर सो दैट ओके ठीक है, तो इसमें भी थोड़ा सा कंप्यूटेशन ही करना पड़ेगा, इट्स टेन सिंपल देन प्रीवियस वन, बस 10 का जो फॉर्मूला है होता है वो लगाना है होता है। तो ये भी क्वेश्चन मतलब क्या है, इसमें बस मल्टीप्लीकेशन करना है दो मैट्रिसेस का, 20th one इज ऑल्सो अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। नाउ कम टू द दिस पैराग्राफ, अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिसेस ऑफ 2 बाई n 3 बाई k 2 बाई p n बाई 3 p बाई k रेस्पेक्टिवली, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 21 एंड 20। द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर ओके, तो हमें कौन कौन सी चीजें डिफाइन करनी है इधर, तो हमें डिफाइन करना है एक तो पी वाई पी इंटू वाई, तो पी इंटू वाई तेरा वाई हाँ ठीक है, पी इंटू वाई डिफाइन कर, तो पी की ऑर्डर कितना है, पी का ऑर्डर है पी इंटू के का ऑर्डर, और वाई का ऑर्डर कितना है, और वाई का ऑर्डर है थ्री इंटू के का ऑर्डर। तो हाँ एक रूल ये है कि पास वाले एलिमेंट्स हैं ये सेम होने चाहिए, यानी के इक्वल टू थ्री होना चाहिए तभी ये
डिफाइन, तो के इक्वल टू 3 या पी इक्वल टू कुछ भी। और हाँ डब्ल्यू और वाई भी है ना, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू की क्या है, डब्ल्यू क्या है, एन बाई थ्री का, एन बाई थ्री का, और वाई है, वाई फिर से है 3 बाई के का, तो 3 और 3 सेम है। ओके तो के 3 था, एन इक्वल टू भी 3 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास क्या आया, के कुछ भी रख सकते हैं हम, के तो हम कुछ भी रख सकते हैं, नहीं, के तो 3 रख सकते हैं, के लिए तो 3 है, एंड पी इज आर्बिट्री, कुछ भी रख सकते हैं पी की जगह। ओके तो सी ऑप्शन में बी इज राइट आंसर, एंड बिकॉज पी जो है ना वो एन के इक्वल रख सकते हैं या फिर कुछ भी रख सकते हैं, दैट्स अ बाउंडेशन नहीं है, तो पी इज आर्बिट्री एंड के इक्वल टू 3। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन इक्वल टू पी देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x-5y, तो ठीक है वाई। ओके तो क्या है, एक्स का कितना, एक्स का है 2 इंटू एन, और जेड का कितना है, जेड का है 2 इंटू पी है, एन इक्वल टू पी रखना है तो ऑर्डर ऑफ कितना निकालना है, तो एन और पी सेम रखने हैं हमें, ठीक है तो एन और पी सेम रखते हैं, तो यहाँ पर क्या है ना, एन तो 2 ही रखना पड़ेगा अगर इसको डिफाइन करना है, तो एन इक्वल टू 2 होगा, और अगर एन इक्वल टू पी है तो ये भी 2 होगा, लेकिन 2 इंटू 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं 2 इंटू पी, 3 इंटू पी। ओके तो दैट्स अ डैम सिंपल क्वेश्चन। ओके आई फॉरगेट वन थिंग, दिस इज द नॉट मल्टीप्लिकेशन, दिस इज जस्ट द डिफरेंस, तो एक्स का कितना है 2 इंटू एन, और पी का कितना है, सॉरी जेड का कितना है, जेड का है 2 इंटू पी, तो एन इंटू पी रखेंगे तो 2 इंटू एन या पी ही होगा, 2 इंटू एन इसका आंसर है। ओके क्योंकि सेम रहता है, 2 इंटू पी इसमें है नहीं, इसलिए हम 2 इंटू एन इसका आंसर रखते हैं। सो इसी क्वेश्चन के साथ 3.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, तो 3.2 हो गई है, तो अभी हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वी विल डू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 3.3 एंड 3.4 ऑल्सो, इफ देयर इज नो 3.4 वी विल डू मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो तब तक गुड बाय, सी यू, और अच्छे से क्वेश्चन लगाते रहिए, आज जो मैंने क्वेश्चन स्किप करे हैं बिकॉज ऑफ दे आर सिमिलर लाइक प्रीवियस वन, तो उन्हें अच्छे से ट्राई कीजिए आप। ओके गुड बाय, बाय बाय गाइस।